बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं मोहम्मद अमान कयूम, तुसी देखदे पए हो गंधारा हिंदको टीवी। अज दी ताज़ा खबरां, पाकिस्तान ते इंडिया दे दरमियान करतारपुर राहदारी मनसूबे ते मुज़ाकरात अज सुन। वज़ारत खारजा डी जी साउथ एशिया डॉक्टर मोहम्मद फैसल दी कयादत जी पाकिस्तान दा 18 रुकनी वफद वाघा दे रस्ते भारत रवाना हो गया वे। वाघा बार्डर ते मीडिया नाल गलकत दे दौरान डॉक्टर फैसल ने किया वे कि अज करतारपुर राहदारी ते गलकत दे मुतालिक अटारी जाने पया। इस राहदारी नाल ना सिर्फ सिख बरादरी नूं सहूलत मिल सी बल्कि दोनों मुल्कां दे दरमियान अमन भी हो सी। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ नासाज तबीयत दी वजह नाल अज कोट लखपत जेल इच पार्टी रहनुमावां नाल मुलाकात ना कर सुन। कोट लखपत जेल इच साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ नाल अज मुलाकात दा दिन है। ज़राए दा कहना है कि तबीयत खराब होने दी वजह नाल मुलाकातियां दी लिस्ट इच शामिल कारकुना ते रहनुमावां नाल मुलाकात ना कर सक सुन। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने हर 15 दिन बाद सूबाई काबीना का इजलास बुलाने की हिदायत की थी। उन्होंने वाजिया किया कि काबीना इजलास पहला एजेंडा साबका फाटा के सूबे शामिल होने के जिलिया के इंजमाम से मुतालिक होया का सी। तमाम महकमे जिमशुदा कबायली जिलिया तरक्की के कौमी धारे लियाने से खसूसी तवज्जो देवन। नवे जिलिया के आवाम की जिंदगी मुस्बित तब्दीली से हमकनार करना इन्होंने रिलीफ देना हतमी हदफ होना चाहिए, जिसका हर काबीना इजलास जायजा लिता जैसी। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने सूबाई काबीना के खसूसी इजलास की सदारत करते हुए किया। हिंदको ते पश्तो सूबा खैबर पख्तूनख्वा की दो बड़ी जुबाना मन ते गंधारा हिंदको अकैडमी के तहत हिंदको ते पश्तो जुबान के हमानी अल्फाज नु जमा करके एक किताबी सूरत हिंदको पश्तो मुतरादिफ के उनवान नाल सामने लियाया गया। एक तारीखी काम इस वजह वे कि इस किस्म का काम पहले दोनों जुबान किधरे नहीं होया। तो गंधारा हिंदको अकैडमी में एजाज हासिल होया वे कि गंधारा हिंदको अकैडमी के एक रिसर्च एसोसिएट अली अवैस खयाल ने इस काम को सर अंजाम दिता वे। पीएसएल के प्ले ऑफ मरहले कोयटा ग्लेडिएटर्स ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद पिशावर जलमी को 10 रनों नाल हरा दिता वे। कराची के नेशनल स्टेडियम खेले गए मैच कोयटा के 187 रनों के ताकू पिशावर जलमी की टीम 7 विकटां ते 176 रन पर आके आउट हो गई। मारूफ अदाकारा आयजा खान ने किया वे कि शोबिज की दुनिया भी मैंने वक्त की पाबंदी का ख्याल रखा वे जरा मेरी कामयाबी का जरिया बनावे। न्यू पोर्ट्स इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन एंड इकनॉमिक्स अपने एजाजी मुनकिदा तकरीबी तलबो तलबात नाल गलकत करते हुए अदाकारा आयजा खान ने किया वे कि तालबे इल्मां की अक्सरियत इस गल का तयन नहीं कर सकती कि उन्होंने केड़ा पेशा इख्तियार करना चाहिए वे, लिहाजा तलबा के तलबात इस गल का इंतजार ना करूँ कि ग्रेजुएट के बाद वो मुलाजमत कर सुन। उन्होंने किया कि मैंने तलब इलमी के दौर ही सफर का आगाज किया। इस दे खबर खत्म हुई, नवी खबर हाजिर हो सी। अल्लाह हाफिज।